देख सकते हैं ये गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के साथ साथ मैं चल रहा हूँ और आज गंदगी की वजह से डिवाइडर और झाड़ियों की बड़े होने के कारण पूरा ढक चुका है और यहाँ डिवाइडर भी जो है वो टूट चुका है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय आज फिर एक अहम मुद्दे को लेकर के आप लोगों के साथ चर्चा करने आया हूँ और अहम मुद्दा वो है कि जब 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनी और पिछले कई वर्षों से ग्रेटर नोएडा के घरबरा स्थित कासना के बीचों बीच एक कई हजार बीघे की जमीन जो यूनिवर्सिटी के लिए प्रस्तावित थी और वह यूनिवर्सिटी जो कीकर और तमाम झाड़ियों में तब्दील हो गई थी, लेकिन जैसे ही रुझान आने प्रारंभ हुए बसपा सरकार के तो वैसे ही वहां ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपने एकदम तत्परता के साथ विकास कार्य और उसकी साफ सफाई रंगाई पुताई के लिए अधिकारी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन फिर 2012 में दूसरी सरकार चेंज होती है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आती है तो वह ड्रीम प्रोजेक्ट जो बसपा सरकार का एक महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट था उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के लोगों के लिए और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, वह सरकार जो 2012 में बनती है वह भी उस अहम प्रोजेक्ट की अनदेखी सी कहीं करती है। उसके तत्पश्चात 2017 का फिर चुनाव आता है और फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को लोग चुनते हैं और उनके मुख्यमंत्री होते हैं योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन आज भाजपा की सरकार में भी जो बसपा का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, आज वह गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जिसमें संपूर्ण भारत के साथ साथ विश्व के तमाम देशों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और एक अपनी अलग पहचान बनाती हुई दिखती है यूनिवर्सिटी, और यूं भी कहें नोएडा की वो सो विंडो के रूप में सरकारों ने उसको हमेशा दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लापरवाह रवैया के कारण यूनिवर्सिटी के बाहर की जो डिवाइडर है, यूनिवर्सिटी के जो अंदर की तमाम जो पार्क हैं, जो वहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं वो आज बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्मार्ट विलेज की बात कर रही है, लेकिन इस पे एक प्रश्न खड़ा होता है, जो चीज 2007 में 2008-9-11 तक कंप्लीट बनी वो यूनिवर्सिटी जो अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी हम कहें, एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी के रूप में भी उसको कहें तो कोई परहेज नहीं होगा, उस ऐतिहासिक बिल्डिंग जो उसमें बहुत सारी खूबसूरत कलाएं बनी हैं, आज सरकार और प्राधिकरण की उदासीनता के कारण वो कहीं ध्वस्त हो गई हैं। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कहना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की तरफ आप लोग ध्यान दें और जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर और सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। आइए साथियों, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में किस तरीके से वहाँ दूरदर्शा है। जय हिंद साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज हम लोग हैं ग्रेटर नोएडा के उस सुप्रसिद्ध जगह, उस रोड पे मैं आप लोगों को दुर्दशा दिखाना चाहता हूँ जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय एवं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गलघोटिया यूनिवर्सिटी होते हुए यह मार्ग भारत के बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ दनकौर होते हुए जाता है। अब हम लोग गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के बिल्कुल सामने हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा कई हजार रुपए की कीमत का एक वृक्ष यह लगाया गया है और प्राधिकरण के लापरवाह रवैये के कारण आज यहाँ ना तो कोई साफ सफाई करने वाला व्यक्ति है, ना ही इन पौधों को पानी देने वाला व्यक्ति है और आज यह पेड़ दीमक की वजह से गिरने की कगार पे हैं, यानी कि कहें तो ये लोग पेड़ आने वाले साल दो साल में पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। आप ये देख सकते हैं सामने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आ चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो डिवाइडर हैं वो टूटे हुए हैं, सड़क बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, सड़क में गहरे गहरे गड्ढे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रिय साथियों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि पूरी सड़क गड्ढा युक्त हो चुकी है, इसमें गहरे गहरे गड्ढे बन चुके हैं और प्राधिकरण की का स्तर कोई भी ध्यान नहीं है।
जबकि यह वह मार्ग है जो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय से होते हुए दनकौर और जेवर तक पहुंचता है, जहां देश का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनने जा रहा है और उसकी एक पहचान विश्व स्तर पर है। लेकिन सड़कों को देखा जाए तो गांव देहात से भी बेकार यहां की ये सड़कें आप देख सकते हैं। मित्रों, आप देख सकते हैं यह है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का गेट नंबर 1 है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वीडियो के माध्यम से, और यहां आप देख सकते हैं कि गेट के बाहर किस तरीके से बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी हो गई हैं। इस गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, जो गौतम बुद्ध नगर की 100 विंडो कहा जाता था, आज यहाँ कीकड़ और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ों को काटा गया है, लेकिन ना तो यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कोई कार्य, विकास कार्य कराए गए हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस विश्वविद्यालय के प्रति अपनी उदासीनता का परिचय दे रही है, और जो ग्रेटर नोएडा को एक नई पहचान देती थी यूनिवर्सिटी, आज अपने आप में वह दूरदर्शी होने के उपरांत आज बदहाल स्थिति में है।